नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इजी में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की श्रृंखला में जो हम हिंदी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हिंदी में अभी तक हमने आपको हिंदी व्याकरण में डिटेल में वीडियोस प्रोवाइड किए हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट हिंदी के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है वो आपको वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, और आज हम बात करेंगे विलोम शब्दों की। इस वीडियो में हम 100 अत्यंत महत्वपूर्ण विलोम शब्दों की जानकारी हासिल करेंगे जो कि आरओ और एआरओ के एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं सबसे पहले शब्द की। तो पहला शब्द है हमारा दाता। दाता का विलोम शब्द क्या होगा? याचक। देखिए यहाँ पर पहला शब्द और विलोम शब्द यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दाता का विलोम शब्द क्या है? याचक। दाता मतलब देने वाला और याचक मतलब मांगने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मितव्य और दूसरा क्या है? अपव्यय। ठीक है, मितव्य और अपव्यय मतलब खर्च बहुत करने वाला और अपव्यय खर्च ना करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है घात। घात, घात का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिघात। ठीक है, घात का विलोम शब्द क्या है? प्रतिघात। नेक्स्ट वर्ड है निंदा। किसी की निंदा करना, तो इसका जो विलोम होगा क्या होगा? स्तुति। निंदा का विलोम क्या है? स्तुति। नेक्स्ट है मोक्ष। मोक्ष का विलोम शब्द क्या है? बंधन। तो दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी आप विलोम शब्द पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं एग्जाम से बहुत बार पूछे जा चुके हैं और उनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हम कृतज्ञ। कृतज्ञ, तो इसका जो विलोम शब्द है वो क्या है? कृतघ्न। क्या है? कृतघ्न। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? कृतघ्न। नेक्स्ट है नूतन। नूतन का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? पुरातन। नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब बहुत पुराना। ठीक है, नूतन का पुरातन। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है बंधन। बंधन का जो विलोम शब्द क्या होगा? मुक्ति। बंधन का विलोम शब्द क्या होगा? मुक्ति। नेक्स्ट है ठोस। ठोस का विलोम शब्द क्या है? तरल। ठोस का विलोम शब्द क्या है? तरल। नेक्स्ट क्या है? यश। यश का विलोम शब्द क्या है? अपयश। यश का विलोम शब्द क्या है? अपयश। नेक्स्ट है हमारा वर्ड सगुण। सगुण का विलोम शब्द क्या होगा? निर्गुण। सगुण और निर्गुण। नेक्स्ट क्या है वर्ड हमारा? मूक, मतलब ना बोलने वाला। वाचाल इसका जो विलोम शब्द होगा बहुत अधिक बोलने वाला। ठीक है, मूक मतलब बिल्कुल ना बोलने वाला और वाचाल मतलब बहुत अधिक बोलने वाला। नेक्स्ट है शुष्क। शुष्क का विलोम शब्द क्या होगा? आद्र। शुष्क का विलोम शब्द क्या होगा? आद्र होगा। नेक्स्ट है हर्ष। हर्ष मतलब खुशी, तो हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? शोक। क्या होगा? हर्ष का विलोम शब्द शोक होगा। नेक्स्ट वर्ड है क्षणिक, मतलब पल भर के लिए जो होता है क्षणिक। नेक्स्ट तो इसका विलोम होगा क्या होगा? शाश्वत, मतलब जो बना रहे। शाश्वत का जो अर्थ निकलता है क्या होता है? जो बना रहे तो शाश्वत। नेक्स्ट है विविध, जो सॉरी विधि। विधि का विलोम शब्द क्या होगा? निषेध। विधि का क्या होगा? निषेध। नेक्स्ट वर्ड है विधवा। विधवा का विलोम शब्द क्या है? सधवा। विधवा मतलब जिसका पति मर गया हो और वह स्त्री जिसका पति जीवित हो, क्या होगा? सधवा। तो विधवा का विलोम शब्द क्या होगा? सधवा। नेक्स्ट है शयन। नेक्स्ट क्या है? शयन, और इसका विलोम शब्द क्या होगा? जागरण। क्या होगा? जागरण। नेक्स्ट वर्ड है शीत। शीत का विलोम शब्द क्या होगा? ऊष। शीत का विलोम शब्द क्या होगा? ऊष। नेक्स्ट है सक्रिय। सक्रिय का विलोम शब्द क्या है? निष्क्रिय। क्या होगा? निष्क्रिय। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे सज्जन। सज्जन का विलोम शब्द क्या है? दुर्जन। सज्जन का दुर्जन। नेक्स्ट क्या है? आतुर।
आतुर का विलोम शब्द क्या होगा? शांत। आतुर का विलोम शब्द क्या होगा? शांत। नेक्स्ट क्या है? विगत। विगत का जो विलोम होगा क्या होगा? आगामी। विगत मतलब पीछे का, आगामी मतलब आगे वाला, जो भविष्य का है। विगत मतलब भूत का। नेक्स्ट है आरोह। आरोह मतलब क्रमबद्ध, और इसका विलोम शब्द क्या होगा? अवरोह। क्रमबद्ध मतलब बढ़ते क्रम में, और अवरोह मतलब घटते क्रम में क्रमबद्ध। ठीक है, तो आरोह का विलोम शब्द क्या होगा? अवरोह। नेक्स्ट है आचार। आचार का जो विलोम शब्द होगा वह क्या होगा? अनाचार। आचार का विलोम शब्द क्या होगा? अनाचार। नेक्स्ट क्या है? आद्रत। आद्रत का विलोम शब्द क्या होगा? प्रदत्त। आद्रत प्रदत्त। ठीक है, नेक्स्ट है आदर। आदर का विलोम शब्द क्या होगा? अनादर। क्या होगा? अनादर। नेक्स्ट है अंत। अंत का विलोम शब्द क्या होगा? आरंभ। अगला वर्ड है आह्वाहन। आह्वाहन का विलोम शब्द क्या होगा? विसर्जन। आह्वाहन का विलोम शब्द क्या होगा? विसर्जन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट है आवर्त। आवर्त का विलोम शब्द क्या होगा? अनावर्त। आवर्त का विलोम शब्द क्या है? अनावर्त। नेक्स्ट वर्ड है अमृत। अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? विष। अमृत, अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? विष। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अथ। अथ का विलोम शब्द क्या होता है? इति। अथ का इति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाने वाला वर्ड है अथ। अथ का विलोम शब्द क्या होगा? इति। नेक्स्ट वर्ड है अंधकार। अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा? प्रकाश। अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा? प्रकाश। नेक्स्ट वर्ड है अल्पायु। अल्पायु का दीर्घायु। अल्पायु मतलब बहुत कम उम्र, दीर्घायु मतलब बहुत अधिक उम्र। ठीक है, अल्पायु का दीर्घायु। नेक्स्ट है उत्कर्ष का। उत्कर्ष का क्या होगा? अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है? अपकर्ष। नेक्स्ट है अनुराग। अनुराग का विलोम शब्द क्या है? विराग। अनुराग का विलोम शब्द क्या है? विराग। नेक्स्ट वर्ड है आगामी। आगामी, आगामी का विलोम शब्द क्या होगा? गत। ठीक है, आगामी आने वाला, गत मतलब जो चला गया है। नेक्स्ट है उत्थान। उत्थान मतलब ग्रोथ। ठीक है, और इसका विलोम शब्द क्या होगा? पतन। उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? पतन। नेक्स्ट वर्ड है आग्रह। आग्रह का जो विलोम शब्द होगा वह क्या होगा? दुराग्रह। क्या होगा? दुराग्रह। नेक्स्ट है आदि। आदि का विलोम शब्द क्या होगा? अंत। आदि का विलोम शब्द क्या होगा? अंत होगा। नेक्स्ट है एकता। एकता का विलोम शब्द क्या होगा? अनेकता। क्या होगा? अनेकता। नेक्स्ट वर्ड है अनुज। अनुज का विलोम शब्द क्या होगा? अग्रज। अनुज का अग्रज। नेक्स्ट वर्ड है आकर्षण। आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? विकर्षण। नेक्स्ट वर्ड क्या है? उद्यमी। उद्यमी का विलोम शब्द क्या होगा? आलसी। उद्यमी का विलोम शब्द क्या है? आलसी। नेक्स्ट वर्ड है न्यून, मतलब बहुत कम। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अधिक। न्यून का अधिक। न्यून का अधिक। नेक्स्ट है आदान। आदान का विलोम शब्द क्या होगा? प्रदान। आदान का प्रदान। नेक्स्ट वर्ड है उर्वर। उर्वर मतलब उपजाऊ, और इसका विलोम शब्द क्या होगा? ऊषर। ऊषर
नेक्स्ट वर्ड है आलस्य। आलस्य का स्फूर्ति, स्फूर्ति आलस्य का विलोम शब्द होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अनेक, अनेक का विलोम शब्द क्या होगा, एक। नेक्स्ट वर्ड है अर्थ, अर्थ का विलोम शब्द क्या होगा, अनर्थ, क्या हो जाएगा, अनर्थ। नेक्स्ट है नगद, नगद का विलोम शब्द क्या होगा, उधार, क्या हो जाएगा, उधार। नेक्स्ट वर्ड है उपस्थिति, उपस्थिति का विलोम शब्द क्या होगा, अनुपस्थिति, अनुपस्थिति। नेक्स्ट वर्ड है अनावृष्टि, अनावृष्टि तो विलोम शब्द क्या होगा, अतिवृष्टि। नेक्स्ट वर्ड है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा, निकृष्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है उत्तम, उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा, अधम। नेक्स्ट वर्ड है आदर्श, आदर्श का विलोम शब्द क्या होगा, यथार्थ, आदर्श का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, यथार्थ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आय, आय का विलोम शब्द क्या होगा, व्यय। नेक्स्ट है स्वाधीन, स्वाधीन का विलोम शब्द क्या होगा, पराधीन। नेक्स्ट वर्ड है आकर्ष, आकर्ष का विलोम शब्द क्या होगा, विकर्ष। नेक्स्ट वर्ड है आच्छादित, आच्छादित का विलोम शब्द क्या होगा, अनाच्छादित, क्या हो जाएगा, अनाच्छादित। नेक्स्ट है अभिशाप, अभिशाप का विलोम शब्द क्या होगा, आशीर्वाद, क्या होगा, आशीर्वाद। नेक्स्ट वर्ड है आसक्त, आसक्त का विलोम शब्द क्या होगा, अनासक्त, आसक्त का विलोम शब्द क्या होगा, अनासक्त। नेक्स्ट है सत्य, सत्य का विलोम शब्द क्या होगा, मिथ्या, क्या होगा, मिथ्या। नेक्स्ट है योगी, तो योगी का विलोम शब्द क्या होगा, भोगी। नेक्स्ट वर्ड है अनाथ, अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा, सनाथ, क्या होगा, सनाथ। नेक्स्ट है सजीव, तो सजीव का विलोम शब्द क्या होगा, निर्जीव, क्या हो जाएगा, निर्जीव। नेक्स्ट वर्ड है अग्नि, अग्नि का विलोम शब्द क्या होगा, जल, अग्नि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जल। नेक्स्ट वर्ड है अर्पण, अर्पण का विलोम शब्द क्या होगा, ग्रहण, क्या हो जाएगा, ग्रहण। नेक्स्ट वर्ड है अस्त, अस्त का विलोम शब्द क्या होगा, उदय, क्या हो जाएगा, उदय। नेक्स्ट है अगम, अगम का विलोम शब्द क्या होगा, सुगम, अगम का सुगम। नेक्स्ट वर्ड है अपेक्षा, अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा, उपेक्षा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जो अकाल, अकाल का विलोम शब्द क्या है, सुकाल, क्या हो जाएगा, सुकाल, क्या हो जाएगा, सुकाल। नेक्स्ट वर्ड है आयात, आयात का क्या हो जाएगा, निर्यात। नेक्स्ट वर्ड है असली, असली का विलोम शब्द क्या होगा, नकली। नेक्स्ट वर्ड है अधम, अधम का विलोम शब्द क्या होगा, उत्तम, क्या हो जाएगा, उत्तम। नेक्स्ट है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या होगा, भौतिक, क्या हो जाएगा, भौतिक। नेक्स्ट वर्ड है उपयुक्त, उपयुक्त का विलोम शब्द क्या होगा, अनुपयुक्त। नेक्स्ट है गमन, गमन का विलोम शब्द क्या होगा, आगमन, क्या होगा, आगमन। नेक्स्ट है उपाय, उपाय का विलोम शब्द क्या होगा, निरुपाय। नेक्स्ट वर्ड है कनिष्ठ, कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा, ज्येष्ठ, क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ। नेक्स्ट वर्ड है कृष्ण, कृष्ण का विलोम शब्द क्या होगा, शुक्ल, क्या हो जाएगा, शुक्ल।
नेक्स्ट वर्ड है छली। छली का विलोम शब्द क्या है? निश्चल, निश्चली। ठीक है, छल अगर होगा तो निश्चल होगा और छली होगा तो निश्चली। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है छूत। छूत का अछूत क्या हो जाएगा? अछूत। नेक्स्ट वर्ड है जंगली। जंगली का क्या हो जाएगा? पालतू। जंगली का क्या हो जाएगा? पालतू। नेक्स्ट है निर्दयी। क्या है? निर्दयी। निर्दयी का क्या होगा? दयालु। निर्दयी का दयालु। नेक्स्ट है धीर। धीर का अधीर। धीर का क्या होगा? अधीर। नेक्स्ट वर्ड है नख। नख का विलोम शब्द क्या होगा? सिख। नेक्स्ट है निरक्षर। निरक्षर का विलोम शब्द क्या होगा? साक्षर। क्या होगा? साक्षर। नेक्स्ट है निंदा। तो निंदा का विलोम क्या हो जाएगा? प्रशंसा। नेक्स्ट वर्ड है पूर्ण। पूर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? अपूर्ण। क्या हो जाएगा? अपूर्ण। कंप्लीट, इनकम्प्लीट। नेक्स्ट है पक्ष। पक्ष का क्या हो जाएगा? विपक्ष। क्या हो जाएगा? विपक्ष। नेक्स्ट वर्ड है भद्र। भद्र का अभद्र। भद्र का विलोम क्या होगा? अभद्र। नेक्स्ट वर्ड है भाव। भाव का विलोम शब्द क्या होगा? अभाव। क्या होगा? अभाव। नेक्स्ट वर्ड है मौखिक। तो मौखिक का विलोम क्या होगा? लिखित। क्या हो जाएगा? लिखित। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वह है राग। राग का विलोम क्या होगा? विराग। राग का विलोम क्या होगा? विराग। नेक्स्ट वर्ड है शकुन। शकुन का अपशकुन क्या होगा? शकुन का अपशकुन। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सूक्ष्म। सूक्ष्म का स्थूल। सूक्ष्म का स्थूल। नेक्स्ट है हास्य। हास्य का रुदन। हास्य का रुदन। नेक्स्ट है तरुण। तरुण का वृद्ध हो जाएगा विलोम शब्द आपका। नेक्स्ट है दुर्लभ। दुर्लभ का विलोम शब्द क्या होगा? सुलभ। क्या होगा? सुलभ। नेक्स्ट वर्ड है कुल्टा। कुल्टा का विलोम शब्द क्या होगा? पतिव्रता। क्या होगा? पतिव्रता। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या होगा? परोक्ष। प्रत्यक्ष का परोक्ष। भूत का भविष्य। और मनुष्यता का विलोम शब्द क्या होगा? पशुता। क्या होगा? पशुता। ठीक है, तो ये हमारे 100 महत्वपूर्ण विलोम शब्द थे। कितने? 100 महत्वपूर्ण विलोम शब्द से जो कि इंपॉर्टेंट है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में। और नेक्स्ट वीडियो हमारा जो कि विलोम शब्द के साथ साथ जो अन्य विशेषण और विशेष हैं या जो शुद्ध वर्तनी है उन सबके आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका वीडियो पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।